Hello, assalamu alaikum. So today we are going to discuss about our meaning or topic. In the previous lecture, we discussed about the level of organization, the biological organization. So आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इस न्यूज़ और एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस आप तक डेली बेसिस के ऊपर आप देख सकें. सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो पिछला जो टॉपिक हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था बायोलॉजिकल, उसी से रिलेटेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन. व्हाट इज पॉपुलेशन? इट इज द कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज दैट प्रेजेंट इन द सेम टाइम इन द सेम प्लेस. कि ऐसी कलेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेम स्पीशीज के, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ऐसी कलेक्शन और जो कि प्रेजेंट भी सेम टाइम के ऊपर हो और एक ही लोकेशन हो उनकी, इस सब को हम कहते हैं इट इज कलेक्टिवली नोन एज पॉपुलेशन. इसमें एग्जांपल्स ले लें, जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास नंबर ऑफ राइस फील्ड, रैट्स होते हैं मतलब चूहे जो है राइस के चावल के जो खेत होते हैं उसमें कितने हैं, उनके नंबर ऑफ जैसे कि स्टूडेंट्स हैं अगर बायोलॉजी की क्लास है तो उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, या जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन किसी एक सिटी के अंदर देख लें उसमें कितनी पॉपुलेशन है. हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म होल. सो वी सेड दैट एक्चुअली पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन द ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब है कि ये इन्वॉल्व होता है ये प्रोसेस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेम स्पीशीज. तो इस तरह की जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है दैट इज वन सेट ऑफ करैक्टर्स दैट कमिंग टू बीइंग अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज दैट लिव टुगेदर. जैसे हम कहते हैं हमारे पास जीन फ्रीक्वेंसी, जीन लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी. इस तरह सो सम ऑफ दिस करैक्टरिस्टिक्स like the population pressure for example. So all of these are new parameters that have emerged as a result of population of living thing. So hum isko defining moment mein kaise late hain? A population that is the collection of living organisms of same species that are present in same time in same place. Like the examples, जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको साथ साथ उसकी एग्जांपल्स जो है वो भी मेंशन करनी चाहिए. जैसे रैट्स है राइस फील्ड में, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी क्लास. द सेकंड थिंग इज द कम्युनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कम्युनिटी होती है इट इज मेड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. डिफरेंट स्पीशीज में प्लांट एनिमल्स जो कि एक ही हैबिटेट में रहते हैं उनका हैबिटेट सेम हो. Community is made of population of different species in which plants and animals are living in the same habitat. So communities are dynamic collections of organisms. जिसके अंदर जो है एक population में grow करती है और दूसरी जो होती है वो decline होती है as abiotic factor change. कुछ communities होती हैं वो बड़ी complex होती हैं, उनके जो interactions होते हैं वो काफी interconnection उनके दरमियान पाया जाता है. जैसा कि और कुछ ऐसी होती हैं जो कि कम्युनिटी सो सिंपल होती हैं जिसमें कोई इंटरकनेक्टेड आपस में नहीं होती. कोई भी चेंज होती है सिंपल कम्युनिटी के अंदर तो वो उसके बहुत ज्यादा तबाहकुन और लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो नतीजे तो होने ही होने हैं. क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चेंज हो जाए एक सिंपल कम्युनिटी के अंदर सो दैट शोज इट हैज ड्रास्टिक एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. एंड इफ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज बायोम, ये जो बायोम है ये मुख्तलिफ एमसीक्यूज में आता है और लेकिन अगर आप एफएससी लेवल के हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आता है और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है. इसकी डेफिनेशन जो है वही रिपीट होती है. बायोम इज ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी इन विच क्लाइमेट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट. एक ऐसी बड़ी रीजनल कम्युनिटी है जिसके अंदर क्लाइमेट जो है उसको पहला प्राइमरी डिटरमिनेंट का जो है रोल होता है. मेजर टाइप ऑफ प्लांट इज डिस्कवर्ड लाइक दे डिटरमाइन द अदर टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जिसके नतीजे में जो बायोम होता है
have been named after the major plant species or ecosystem features. अब हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है फाइलेटिक लाइनेज. हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स और वैराइटीज होते हैं स्पीशीज की एक ही एरिया की वन एरिया में पाई जाती हैं, तो हम डिस्कवर करते हैं कि टोटली जो है अब तक ऑर्गेनिज्म जो है वो साइंस ने डिस्कवर की है कितने हैं हमारे पास, वो हमारे पास उसकी जो तादाद है वो बनती है राउंड अबाउट 2.5 मिलियन ऑफ दी स्पीशीज जो कि अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है टोटल. हम कहें कि 25 लाख स्पीशीज जो है वो करंटली नाउन है साइंस को, और उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं वो 53.1% ऑफ टोटल का है, और वैस्कुलर प्लांट्स वो 17.6% आते हैं, और फंजाई एलजी प्रोटोजोआ और मुख्तलिफ प्रोकैरियोट्स वो 19.9%, जिसमें एनिमल्स और फंजाई एलजी प्रोटोजोआ और बहुत सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं वो 9.4%. सो हम कहते हैं देयर इज नो मींस टू exhaustive position of life. It means that the total number of species that are estimated between 5 to 30 million. So, hum kehte hain only 2.5 million of the species ab tak jo hai sirf aur sirf 2.5 million species jo hain wo discover identified ho chuki hain. Isliye हम कहते हैं कि जो फाइलेटिक लाइनेज होती है या जिसको हम इवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं दैट लिव्ड इन अ डिस्टेंट पास्ट, ये सब जो है वो बहुत पास्ट की रेंज में आती हैं. अब जो साइंस जो है वो डेवलप हो चुकी है, न्यू स्पीशीज फ्रीक्वेंटली क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज जिसके नतीजे में बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है, और फाइलेटिक लाइनेज जो होती है एक कंटीन्यूअस चेन होती है. That is the species that arrange from ancestor to ancestor. That's why each subsequent species that evolved from one that came before it is descendant sequence. इसका मतलब यह है हर lineage होती है वो extend होती है अगर वो हमारे पास जो complete record जो है history of life का planet के ऊपर जो एक history of life का अगर record है तो हर lineage जो है वो एक्सटेंड हो सकती है. इस वजह से हम कहते हैं कि कॉमन इंजेस्टर जो होते हैं जो तमाम लाइफ होती है उसके जो इब्तदाई मरहलात उनके अंदर दे डोंट हैव द रिकॉर्ड बिकॉज देयर आर सो मेनी सॉफ्ट बॉडीड पीपल. इट मीन पास्ट ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट लेफ्ट अ रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. सो हम कहते हैं कि न्यू स्पीशीज जो है वो फ्रीक्वेंटली क्रिएट हो रही हैं एवोल्यूशनरी चेंज के नतीजे में, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है बढ़ रही है. 2.5 मिलियन स्पीशीज हमारे पास टोटल जो है इस वक्त आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, और जो है इनमें से 53.1% जो है वो इंसेक्ट्स हैं, 17.6 वैस्कुलर प्लांट, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, फंजाई प्रोटोजोआ प्रोकैरियोट्स की जो स्पीशीज 19.9 है, और एनिमल जबकि फंजाई एलजी प्रोटोज मुख्तलिफ प्रोकैरियोट्स होते हैं वो 9.4% है, और 9.9% जो होते हैं वो ऑल एनिमल्स की स्पीशीज हैं. तो इसके साथ साथ जो है टोटल अब तक एस्टिमेट है 5 to 30 million स्पीशीज का, और अब तक जो डिस्कवरी हो चुकी है जो आइडेंटिफाइड है कितनी 2.5 मिलियन, तो स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं. सो आज के इस बायोलॉजी सीरीज के लेक्चर में हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था उसमें हमने कंटिन्यू किया, पॉपुलेशन देखा, कम्युनिटी देखी क्या है डेफिनेशन इनकी क्या डिस्क्रिप्शन है, और बायोम की, और फाइलाइटिक लाइनेज है लाइनेज.
हमारा जो पहला चैप्टर लेक्चर चल रहा है, पहला चैप्टर FSC बायोलॉजी पार्ट वन का, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसका एक और टॉपिक हमारे पास प्रेजेंट है, वो है बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम बताएंगे थ्योरी क्या है, साइंटिफिक लॉ क्या है, हाइपोथेसिस क्या है और रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव इंडक्टिव हम उसके जरिए जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरह हमारा बायोलॉजी पार्ट वन का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आखिरी लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।